जय हिंद जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला मौजूद हूं इस समय भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और रिठाला विधानसभा का ये एरिया है। हालांकि रिठाला विधानसभा इन दिनों बहुत चर्चाओं में है। दर्शकों, बात करेंगे सीधी सीधी ये कि आपको सबको पता है जब भी कोई सरकार या जब भी कोई नेता शपथ लेता है तो वो ये शपथ लेता है कि मैं अपने समाज का विकास करूंगा, मैं अपने क्षेत्र का विकास करूंगा, मैं अपने राज्य का विकास करूंगा। और उसी शपथ को लेकर के अभी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री जी हैं अरविंद केजरीवाल जी और प्रधानमंत्री जी हैं हमारे सबको पता होगा केंद्र के अंदर मोदी जी। हालांकि MCD के अंदर दिल्ली के अंदर पिछले पंद्रह सालों से जो है BJP राज कर रही है और अब दिसंबर में हालांकि चुनाव होने की संभावना है तो आम आदमी पार्टी भी अपने दावे ठोक रही है कि हम MCD में अब की बार अरविंद केजरीवाल की सरकार और जगह जगह शायद उनके यहाँ पे अगर आसपास में मैं देखना चाहूँगा तो शायद कहीं ना कहीं नज़र पोस्टर आ भी जाएंगे उन लोगों के। ठीक है, दूसरा मैं बता दूँ आपको, अगर मेरे पीछे ये जो खाली स्थान आप देख रहे हैं, ये जो खाली जगह आप देख रहे हो, ये है भ्रम शक्ति हॉस्पिटल के बिल्कुल पीछे का एरिया, जो कि कई एकड़ ज़मीन जो है पिछले कई समय से जो कि DDA की जो ज़मीन है वो खाली पड़ी थी और इस पर कुछ बांग्लादेशी लोगों का भी निवास है। अगर वहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पर ये झुग्गियाँ जितनी आप यहाँ पे बनी हुई देख रहे हैं वो हो गई, या इस तरफ नज़र डालोगे तो ये सारा जो है बांग्लादेशियों ने अपना यहाँ पर कब्जा टाइप का यहाँ पर किया हुआ है। DDA की ज़मीन है, कूड़ा कुछ लोगों ने आसपास के घरेलू लोगों ने बुद्ध विहार के निवासियों ने यहाँ पर कूड़ा डालना शुरू कर दिया जो कि यहाँ पर कूड़े का अंबार लगना शुरू हो गया। उसको लेकर के सही बात यह कि निगम का काम है कूड़े का उठाना, कूड़ा डालना काम नहीं है। दूसरा, यहाँ पर हो क्या रहा है, जब अभी परसों से कुछ गर्मा गर्मी हो रही है रिठाला विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी और BJP पार्टी के अंदर। मैं ना पक्ष की बात करूँगा ना विपक्ष की, सिर्फ निष्पक्ष होकर ईमानदारी पूर्वक वही बात बताऊँगा जो अब तक मुझे पता लगी है या जो यहाँ पर राजनीति चल रही है, वो भी गंदी राजनीति जिसे बताएंगे। देखो, आम आदमी पार्टी कह रही है जगह जगह पोस्टर लगा करके, पर्चे लगा करके और अनाउंसमेंट करवा करके कि हम इस जगह पर कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे, और मैं भी उसके पक्ष में हूँ कि यहाँ पर कूड़े का पहाड़ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर कूड़े का पहाड़ बना तो आसपास के निवासियों को उस चीज़ की समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं अगर हम बाईपास पे जो कूड़े का पहाड़ बना है उससे निजात नहीं मिल पाई है और जो गाजीपुर में जो कूड़े का पहाड़ बना है वह उससे निजात नहीं मिल पाई है, और जब अगर इस ऐसी स्थिति में यहाँ कूड़े का पहाड़ बन गया तो आसपास के लोगों को उसकी समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार ट्रोल कर रही है BJP को कि हम यहाँ पर कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे, हम यहाँ पर कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे, उस चीज़ को विरोध कर रही है। वहीं दूसरी ओर BJP पार्टी, जब मैंने यहाँ पर जो जिला अध्यक्ष हैं देवेंद्र सोलंकी भारतीय जनता पार्टी से, उनसे इस विषय में बात की, उन्होंने कहा कि दिनेश भाई यहाँ पर हम लोग तो कूड़े का पहाड़ बना ही नहीं रहे हैं, जबकि हम तो इसको हटा करके इसकी पार्क की सफाई करवा करके यहाँ पे चार दीवारी करके पार्क का रूप देंगे, पार्क के सौंदर्यकरण का रूप देंगे। मैंने उनसे इस चीज़ का प्रमाण मांगा, उन्होंने मुझे प्रमाण के तौर पर वो लेटर भी भेजा है, मैं आपको दिखाऊंगा एक बार कि जिस लेटर के अंदर ये साफ साफ है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कूड़े का पहाड़ नहीं बनाया जा रहा, बाकायदा उसको पार्क का सौंदर्यकरण का रूप दिया जाएगा। मैं आपको एक बार वो लेटर भी दिखा देता हूँ। देखें, अगर ध्यान से आप मेरे साथ देखेंगे यहाँ पे कैमरे पे, ये देवेंद्र सोलंकी यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से हैं और बाकायदा 16 तारीख 9वें महीने में ये मोहर लगी हुई है राजनिवास की, और इसके अंदर साफ लिखा है कि रोहिणी सेक्टर 23 प्रिंस पब्लिक स्कूल के सामने बुद्ध विहार फेज 2 पॉकेट 11A के पीछे पड़ी खाली जगह पर चार दीवारी कराकर उसे पार्क के रूप में विकसित किया जाए, उसमें ट्रैक बनाकर एवं सौंदर्यकरण किया जाए। अब मामला ये है, मतलब भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज़ को लिए तैयार है कि यहाँ पर कूड़े का पहाड़ नहीं होगा, यहाँ पर पार्क का सौंदर्यकरण किया जाएगा, और आम आदमी पार्टी इस चीज़ को लेकर ट्रोल कर रही है BJP को कि क्या नाम है, यहाँ पर हम कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे। सच क्या है? सच किसी को नहीं पता। सच क्या है? सच मैं आपको बताऊंगा। सच ये है कि यहाँ पर सिर्फ जनता को चू बनाया जा रहा है, और क्यों? गंदी राजनीति करनी है। अब हाल ही में एक महीने डेढ़ महीने के बाद सीधा निगम के चुनाव आने वाले हैं, उसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को ट्रोल करने के लिए यहाँ पर सिर्फ जमावड़ा लगा है, और यहाँ पर वाद विवाद ना बढ़ जाए उसको लेकर के यहाँ पर, हालांकि इन पुलिस अधिकारियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने बड़ी मुस्तैदी से समय को देखते हुए सीधा यहाँ पर बैरिकेड लगा दी है ताकि ये नेताजी लोग इस बैरिकेड के बाहर रहें।
अपनी राजनीति, गंदी राजनीति जो है वो इस बैरिकेड के बाहर करें, और उस तरफ भी देखोगे तो बैरिकेड लगा करके इसको सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर तरीके से इसको सफाई करवाई जा रही है। अगर इस समय ध्यान से देखोगे तो इस समय सिर्फ यहाँ पर MCD के जो ये पीले पंजे हैं, MCD के जो बुलडोजर हैं, वो सिर्फ सफाई कर रहे हैं। और ये क्या नाम है, यहाँ पर ACP साहब पहुँचे हैं, बुद्ध विहार थाने से यहाँ पर SHO साहब पहुँचे हैं, सब के सब मिल करके, एक साथ मिल करके जो है यहाँ पर सुरक्षा को मद्देनजर रखते हो, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताजी लोगों का काम है केवल और केवल जनता को गुमराह करना और जनता को बेवकूफ़ बनाना। इसलिए ये लोग मिल करके यहाँ पर सुरक्षा कर रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर सफाई की जा रही है। सिर्फ हकीकत ये है ना, यहाँ पर कोई यहाँ पर कूड़े का पहाड़ बनाया जा रहा है, और ना उसको जब अगर उसका विरोध किया जा रहा है, अरे बेवकूफ़ों, दोनों को बता रहा हूं मैं, जब यहां पर कूड़े का पहाड़ बनाया ही नहीं जा रहा तो उसका विरोध किस बात का। दूसरी बात, और अगर यहां पर आम आदमी पार्टी से भी मैं बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से भी बताना चाहूंगा, यहां के हमारे लोकप्रिय विधायक महेंद्र गोयल जी से भी बताना चाहूंगा, यदि आपके पास इस तरह की कोई कागज पहुंचा है क्या MCD की तरफ से कि यहां पर कूड़े का पहाड़ बनाया जा रहा है, और अगर आपके पास इस तरह का कोई भी दस्तावेज है कि यहां पर कूड़े का पहाड़ बनाया जा रहा है, तो उसको भी प्रसारित करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जो कि देवेंद्र सोलंकी, उन्होंने इस चीज को प्रस्ताव पारित किया हुआ, जो वो लेटर जो है वो जो है सार्वजनिक किया है, कि यहां पर उसके अंदर लेटर में साफ लिखा है कि हम तो इसको पार्क बनाना चाह रहे हैं, और इसका सौंदर्यकरण करके इसकी चार दीवारी बनाकर यहां पर जो है लोगों के लिए पार्क बनाएंगे, ये और उसको लेकर के यहां पर सफाई भी की जा रही है। अब ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको नजर आ जाएगा, देखो कि MCD यहां पर सफाई कर रही है, यहां पर MCD सफाई कर रही है, यहां पर कूड़ा नहीं डाला जा रहा, यहां पर MCD के द्वारा लगातार जो है सफाई कराई जा रही है, देखो ध्यान से। और मैं एक बार और बताऊंगा कि यहाँ पर अगर इस वीडियो को, मेरी वीडियो को यदि जिला अध्यक्ष महोदय देवेंद्र सोलंकी जी आप देख रहे हैं, और तमाम वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, निगम के नेता वो देख रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें कि आपका बनाया हुआ शौचालय इस समय किस हालात में है, वो बद से बदतर की हालात है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना। यदि पार्क आप यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि इसके बाहर कहीं ना कहीं यदि इस तरह की शौचालय की हालात ये रहेगी, तो पार्क में आने वाले लोगों को शौचालय भी करने के लिए ऐसी हालात में जाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।